सिर्फ 2 मिनट में अपने DVR के अंदर हार्ड डिस्क को कैसे बिठाया जाता है मैं आपको सिखाऊंगा, चलिए चलते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हार्ड डिस्क में हमारे पास में 2 टर्मिनल होता है। एक बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है वो पावर के लिए होता है और छोटा वाला जो होता है वो डेटा के लिए होता है। तो हमारे पास में 2 केबल है इस तरह के, और ये ब्लू वाला जो केबल है ये आपका डेटा के लिए काम आता है, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो पावर केबल है वो आपको इस तरफ यहाँ पर बिठाना है। तो यहाँ पर आपने डेटा का बिठा दिया, यहाँ पर आपको पावर का बिठाना है। अब हम क्या करेंगे, हार्ड डिस्क के अंदर इसे सिंपली पुश करेंगे और हमारा ये कनेक्टर कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमने पुश किया और यहां पर हमने डेटा का पुश कर दिया। तो एक हमने डेटा का कनेक्ट किया, एक हमने पावर का कनेक्ट किया, और बोर्ड पे आपको इस तरीके से कनेक्ट करना है। अगर आपको इसी तरीके से टेक्निकल वीडियो पसंद आते हैं तो स्किल मुंबई को जरूर फॉलो करिए।